हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके डीएम अगर सिंगल है तो उनका क्या चल रहा है कार्मिक्स के साथ, मतलब उनके घर वालों के साथ, और आपके रिलेटेड क्या बातें हो रही है वहां पर, और अगर वो कमिटेड है तो क्या चल रहा है कार्मिक्स के साथ। कमिटेड मतलब गर्लफ्रेंड, वाइफ, कुछ भी हो सकता है। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आपके डीएम कार्मिक्स के साथ चल क्या रहा है अभी इसी समय, अगर वो सिंगल है तो। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, उनके फ्रेंड्स और उनके और देख ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो अपने फ्रेंड्स और ये सब बोले गए रास्ते पे चलते हैं कि नहीं। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके डीएम बहुत ही ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, और उनको ऐसे लग रहा है कि मुझे करियर चूज करना ही होगा, मुझे एक पर्सन से शादी करनी ही होगी। ये लोग तो मुझे प्रेशर में डाल रहे हैं, ये लोग कोई मेरी सुन ही नहीं रहा, वो लोग मतलब एज 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 करके मेरा सर पका रहे हैं। ऐसे आपके डीएम की एनर्जीज है, वो आपके लिए प्यार फील तो कर पा रहे हैं लेकिन उनको ऐसे लग रहा है कि उनके घर वाले उनकी जो है शादी कराने पे तुले हुए हैं, और उनकी फाइनेंसेस भी अच्छी नहीं है, और वो वेट भी नहीं करना चाहते। उनको एक लड़की मिल गई है काइंड ऑफ, और वो जो है इनकी शादी करा कर ही मानेंगे। वो प्रेशर में आपके डीएम है, पैसे उनके पास है नहीं, और यही चीज जो है वो स्ट्रेंथ भी नहीं जुटा पा रहे। मेरा गला, गाइस गले में अटैक टाइप्स फील हो रहा है ये रीडिंग करते समय। उनके पास स्ट्रेंथ भी नहीं है ये बोलने के लिए कि मैं अभी नहीं करूंगा, मेरे पास काम नहीं है, या मेरा काम अच्छे से चल नहीं रहा है। उनको लग रहा है कि भाई काम मिल गया तो बस शादी करा दो इस लड़के की या लड़की की, ऐसा चल रहा है आपके पर्सन के घर में। वो बहुत ही ज्यादा गार्डेड गार्डेड घूम रहे हैं और घर वापस जा भी नहीं रहे हैं ये जल्दी। लाइक 8-8, 9-9 बजे तक रात को दिखा रहे हैं कि वो काम करते हैं, उनको बहुत लोड है, उनके पास टाइम नहीं है। पता नहीं कौन से बहाने मार रहे हैं शादी ना करने के, और प्रेशर में उनके घर वाले उनको जबरदस्ती डाले कि शादी तो करनी पड़ेगी, शादी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सिंगल वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं दुखी भी हो रहे हैं। आप ऐसा हो सकता है कि आप अपने डीएम को किसी के साथ घूमते फिरते देख लो, बट ये और आप सोचो कि इसने तो मुझे चीट कर दिया, इसने तो ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, लेकिन ये वो चीटिंग वाली चीटिंग की बात नहीं है। यहाँ पर घर वालों ने मिलने के लिए बोला है, बुलाया है, घर वाले पर्पसली अरेंज करके दे रहे हैं कि इसके साथ शादी करनी पड़ेगी। तो इस चीज से आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके डीएम बहुत ज्यादा खुश है आपके बिना, और वो आपको समझाएंगे ये बात भी बताएंगे कि घर वालों ने ये बचा के रखा हुआ है, मैं तुमसे अब बात नहीं कर सकता या कर सकती। और आपको वो किसी और के साथ कहीं दिखाई भी दे सकते हैं, और आप इसको सोच सकते हो कि आपके साथ चीटिंग हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा गाइस। वो उनके घर वालों की अरेंजमेंट होंगे। बातें सुन लेते हैं आपके पर्सन के। कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट यू वांट, एंड आई वांट यू टू पनिश मी, बट आई नो यू वांट, सो आई पनिश माई सेल्फ। तो कहीं ना कहीं वो आपको ऐसे बोलेंगे तो वो चाहेंगे कि आप उनको गोस्ट ब्लॉक कर दो। ठीक है, और यही चीज अभी उनका शादी शादी का घर में चल रहा है, और ये पर्सन मना नहीं कर पाएंगे। मैं आपको क्लियरली वॉर्न कर देती हूँ, आपको कितना भी बुरा लगे, आपको ट्रिगर हो चाहे, लेकिन ये पर्सन जो है उनसे मिलने जाने वाले हैं। ठीक है, और आपको हिंट भी देने वाले हैं कि ऐसे चल रहा है मेरे घर पे शादी 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 चल रहा है, देखो तो काम मिला नहीं, कि ये लोग सब लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं और ये सब वो सब। और ऐसा ट्रिगर आप लोगों को आज के दिन या आज के हफ्ते में देखने को मिलने वाला है। ठीक है गाइस, सिंगल वालों बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, कमिटेड वालों की बात करेंगे हम अगर, तो कमिटेड वालों के कार्मिक्स के साथ क्या चल रहा है। कमिटेड वाले जो है कार्मिक्स के साथ मतलब लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना वो उससे बात कर रही ना वो उससे बात कर रहे हैं, दुखी है लेकिन एक ही घर में। मतलब कहीं ना कहीं ये लोग रिकंसिलिएशन की बातें चल रही है इनके दोनों की, घर वाले उनको अलग होने ही नहीं दे रहे हैं, रिश्ते को हील करने की बातें चल रही है, इस रिश्ते को बना के बैलेंस करके चलने की बातें हो रही है। आपकी डीएम जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि
इस जगह से वॉक अवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे काफी ज्यादा, मतलब वो स्ट्रेंथ इकट्ठा करेंगे और अपने फैमिली से दूर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो रिकंसिलिएशन नहीं करना चाहते कार्मिक्स के साथ, ठीक है। अगर वो रिकंसिलिएशन करने के लिए उनको फोर्स भी किया जाएगा ना, तो इस बार ही डीएम जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन ही क्रिएट कर देंगे, बोलेंगे कि अब तो बस हो गया, बहुत हो गया, मैं नहीं रिकंसिलिएशन करने वाला और मैं नहीं रहने वाला इसके साथ। पहले आपके पंदे जो थे वो बहुत ही अनजान थे, बहुत ही ज़्यादा उनको पता नहीं था कि कैसे रिएक्ट करते, क्या रिएक्ट करते हैं। पहले आपके बंदे जो है घर वालों की प्रेशर में आ जाया करते थे, माँ की बात मानकर जो है एक्शन ले लिया करते थे, लेकिन अब मुझे जो दिखाई दे रहा है वो बोलेंगे नो 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 थैंक यू, ये सब प्रेशर किसी और पे डालो जाकर, मेरे से मीठा और ये सब करने की कोशिश मत करना, मुझे बहुत क्लैरिटी है इस कनेक्शन में, अब मैं जान चुका हूँ कि किसकी असलियत क्या है, मुझे मत बताना। और आपकी डीएम को इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है कि वो बोले कि मैं नए ऑप्शंस चूज करूंगा। और एक और बात, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी उनको रोक नहीं पाएगी कार्मिक्स के पास अब, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि मैंने सोचा यहाँ पे फाइनेंस संभल जाएंगे ऐसे शादी करके, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, लाइफ अच्छी हो जाएगी मेरी, अब उनको क्लैरिटी मिल रही है और फाइनेंसेस और भी चौपट हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, और कहीं ना कहीं उनको और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी जीने के, और वो दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहेंगे, चाहे घर वाले कितना भी बोले कि नहीं 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 ये नहीं वो नहीं, पर वो आपको चूज़ करेंगे ज़रूर अगर आप अब इनके ऑप्शंस में फिट आते हो तो। मतलब अब अगर उनको लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी बिताया जा सकता है तो आपके डीएम आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहेंगे, ठीक है। द थॉट ऑफ यू बीइंग विद समवन मेक्स मी जेलस एंड पैशनेट फॉर यू। देखिए गाइज, आपकी पर्सन अब आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गया। आई लव द वे यू ड्रेस टू इम्प्रेस, तो कहीं ना कहीं आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके तैयार होना, घूमना फिरना उनको बहुत ज़्यादा रोमांटिक लगेगा। आई हैव बीन गोइंग थ्रू डार्क टाइम्स बट आई डोंट वॉन्ट टू स्ट्रेस यू आउट। देखा मैंने आपको कहा, आप उनके घर वाले उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, और अब ये पर्सन जो है उनके अगेंस्ट भी जाने को तैयार है। स्वीट हार्ट, यू आर द ओनली वन दैट मैटर्स टू मी, बॉटम ऑफ द डेक आया है आपके पर्सन के लिए। अब आप मैटर करते हो, लेकिन उनका एक और भी ऑप्शन है, ये बात ध्यान में रखना, आप ओनली ऑप्शन नहीं हो अभी। ऑप्शन दूसरा है कि भाई मैं सिंगल रह लूँ और अपने पैसे कमाऊँ बस, और एक ऑप्शन आप हो, और मतलब एक ऑप्शन है सिंगल रहना। तो अब वो जो उनको फिट बैठेगा वो वही ऑप्शन को फॉलो करेंगे, क्योंकि उनको कार्मिक ड्रामा तो बिग नो नो हो चुका है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।